नमस्कार, मैं हूं पंडित मनोज शास्त्री। आप मुझे देख रहे हैं भक्ति वंदना में। मित्रों, बड़े ही शुभ स्थान पर हूं, शनिदेव महाराज की शरण में हूं और पहला नवरात्रा शनिवार से ही प्रारंभ होगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रथम दिन अगर शनिदेव और शनिवार का दिन अगर पड़े तो हमारे कर्मों में बड़ी पवित्रता आती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन नवरात्रों में धन की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, संघर्ष को कैसे समाप्त किया जा सकता है। इन दो वाक्यों के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे 28 वर्ष के ज्योतिष के कैरियर में मैंने जो अनुभव जिंदगी में पाया है वो एक ही अनुभव पाया है कि ज्योतिष सत्य है और कर्म सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मित्रों, अगर कर्म व्यक्ति ठीक तरीका से करता है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में बदलाव तो आता है। मैं आपको एक बात सचेत करना चाहता हूँ, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई रोग, कष्ट, धन से समस्या अगर चल रही हो या व्यापार में अगर आपके में कोई बाधा चल रही हो या घर में अशांति का माहौल हो तो इन नवरात्रों में मिलेगा आपको एक बड़ा वरदान। कर्म के स्वामी श्री शनिदेव महाराज हैं और पहला नवरात्रा यानी मत्स्य पुत्री का दिन, जिनके एक हाथ में आप देखेंगे त्रिशूल है और दूसरे हाथ में उनके में कमल का पुष्प है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ, प्रथम दिन आप व्रत उपासना करें और रात्रि के समय माँ शैलपुत्री की उपासना के साथ साथ में अगर आप भगवान श्री शनिदेव का भी एक माला जप अगर बीज मंत्र की करें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके जो संकट हैं, आपके जो भाग्य उदय नहीं हो रहा है, आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। बीज मंत्र से ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जप करें और अगर विधि विधान से आप करते हैं, देखिए किसी भी मंत्र के साथ में, अनुष्ठान के साथ में जब तक विधि की प्रवृत्ति पूरी नहीं होती है उस चीज़ में फल की प्राप्ति नहीं होती है। प्रथम विधि है रात्रि के समय स्नान करके रुद्राक्ष की माला को धारण करें और रुद्राक्ष की माला को पंचामृत से स्नान करा करके एक रात्रि के समय घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़ करके शनिदेव भगवान से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे जो जन्म जन्मांतरों के जो को भी मुझसे भूल चूक हुई है आप उसे क्षमा करें और मेरे भाग्य की वृद्धि करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ शनिदेव इतने दयालु हैं कि आपसे प्रसन्न होकर कि यह जो विधि आपको करनी है वो शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे रात्रि काल के समय करनी है। मित्रों, माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन भी उस दिन होगा। मैं आपको एक विशेष मंत्र बताने जा रहा हूँ, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो मही। यह मंत्र ज़्यादातर लोग जानते हैं, बहुत सरल मंत्र है। देखिए, सौभाग्य की वृद्धि यह मंत्र करता है और दुख दर्दता का नाश करता है। हमारे प्रारब्ध के पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उनको संचित करने में यह मंत्र की उपासना बड़ी लाभकारी है और हमारे सौभाग्य के, हमारे जो भाग्य होता है ज्योतिष के अंदर यानी जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें नवेश यानी कि जो भाग्येश का घर होता है कहीं ना कहीं उसमें भी यह मंत्र वृद्धि करता है। हम जो भी काम करते हैं इस मंत्र की उपासना करने से हमें उसमें विजय भी प्राप्त होती है और हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। यह एक अटल सत्य है। नवरात्रे नवरात्रे अगर आप परिश्रम करें और जो व्यक्ति सूर्योदय से प्रातः अगर जगता है, प्रातः काल में माँ शैलपुत्री की उपासना करे और संध्या काल में शनि की उपासना करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके भाग्य में
दिन दूनी रात चौगुनी होगी और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन होगा, आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैंने जो आज तक अपने जीवन में ज्योतिष के जितने उपाय बताए हैं उनमें एक अटल सत्यता इसलिए भी यह है कि मैं कर्म को करने की एक विधि जरूर बताता हूँ। अगर व्यक्ति सही तरीका से कर्म करे तो जीवन में सफलता उसे निश्चित प्राप्त होती है, यह मेरा एक संकेत है। 12 राशियों में मैं अब आपको बताऊंगा कि जो लोग पहला दिन शनिवार के दिन पहला नवरात्रि का व्रत करेंगे वो किन किन राशियों को बड़ा ही लाभ प्राप्त होगा और कौन कौन सी राशियों का भाग्योदय भी होगा। पहली राशि है मेष राशि, जिनका स्वामी मंगल होता है उनकी राशि का भाग्य उदय निश्चित होगा, क्योंकि पहला प्रथम शैलपुत्री है, उनका वाहन वृषभ है, तो कहने का मेरा तात्पर्य है। और दूसरी राशि है तुला राशि, जिसको अत्यंत लाभ होगा। तीसरा है सिंह राशि, इन तीन राशियों को अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। और चतुर्थ राशि है मीन राशि। मैंने आपको 12 राशियों में 4 राशियों का प्रण बताई है। दूसरी चीज, आप कोई भी सलाह मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल को देखते समय भक्ति वंदना चैनल के अंदर आपको परम अच्छे सुझाव दिए जाते हैं एवं विद्वानों द्वारा आपको इस जीवन में जीने की एक सलाह भी उचित दी जाती है। नमस्कार।